मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में और बाकी तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं के रिजल्ट की घोषणा स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की। इस बार परीक्षा में 7.5 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा नहीं ली गई थी। परीक्षा परिणाम हाई स्कूल 2019 के परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार किया गया है। जो विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें अंक सुधार के लिए परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी 1 से 25 सितंबर तक परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने नंबर सुधारने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को 1 अगस्त से 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित परीक्षा का 12वीं कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन सबको मैं एक अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमने जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई थी बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है, और इसलिए कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा है, सब उत्तीर्ण हो रहे हैं। आज के रिजल्ट में 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में आए हैं और 7% तृतीय श्रेणी में आए हैं। ये ऊपर ये रिजल्ट रहा है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों ने बहुत साल भर के जो कोरोना का संकट था उसमें अपनी पढ़ाई निरंतर रखने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग ने भी उनकी शिक्षा को पूरी कराने की कोशिश की थी, फिर भी परीक्षा का जैसे ही समय आया फिर से कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी थी। उसके कारण से हमको एक बड़ा निर्णय करना पड़ा। हमने इस मूल्यांकन पद्धति को आधार बना करके और रिजल्ट घोषित किया गया है। यदि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते इससे, उनको भी हमने विकल्प दे रहे हैं। जिस विषय में वो परीक्षा देना चाहेंगे, परीक्षा सितंबर के माह में होगी। यदि सारे विषयों में बैठना चाहते हैं परीक्षा, तो सभी विषयों में बैठ सकते हैं। और जब लगता है विद्यार्थियों को मुझे इसमें कम नंबर है, मुझे इसमें ज्यादा आ सकते थे, तो उसी विषय में भी बैठ सकता है। ये हमने विकल्प विद्यार्थियों को दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।